हाय ऑल, दिस इज तरुण गुलियानी। आज मॉर्निंग वॉक पे मुझे कुछ लोग मिले, मैन और वुमेन। उसमें बहुत से लोग मेरे फॉलोअर थे मेरे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव थॉट्स बाय तरुण गुलियानी। तो उन्होंने मेरे को रोक लिया और वहाँ पे टॉपिक चल रहा था मैन वर्सेस वुमेन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हु इज़ बेटर। मैंने कहा फ्रेंकली स्पीकिंग ये तो मुझे भी नहीं पता कि बेटर कौन है, मैन और वुमेन। हाँ, ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन। ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे मैं वुमेन्स के लिए कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। बात करते हैं कि हमारी लाइफ की वुमेन की। सबसे पहली वुमेन मेरी लाइफ में आई मेरी मॉम। मॉम से ज़्यादा केयरिंग, लविंग, फर्स्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, बेस्ट कोच कोई भी नहीं हो सकता, राइट? और मॉम का ना एक फेवरेट टास्क होता है खाना खिलाना। खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है इसके पीछे। उनकी इंटेंशन होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी रहे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर मदर्स की माने ना तो हम सारे इतने मोटे होंगे ना। सेकेंड वुमेन ऑफ माई लाइफ इज माई एल्डर सिस्टर। सिस्टर्स आर ऑलवेज गुड। वो एक सेकेंड मॉम होती हैं। उनको लड़ने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो बहुत लविंग और केयरिंग भी होती हैं। सिस्टर कभी किसी भाई को भूखा नहीं देख सकती। सिस्टर कभी अपने भाई को सेकेंड आता हुआ नहीं देख सकती। सिस्टर के सामने कोई उसके भाई को इंसल्ट नहीं कर सकता। उसके बाद रिलेशनशिप आता है मैन वुमेन का एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मैं क्या बात करूं, वो लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, वो दुनिया सिर्फ उनके लिए बनी है। उन्हें सोसाइटी से और बाकी लोगों से मतलब नहीं होता, वो अपने में गुम हो जाते हैं। उसके बाद एक रिलेशनशिप आता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। हर एक वुमेन जो कि वाइफ होती है वो लविंग होती है, केयरिंग होती है। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे। अब वुमेन को आप एक बड़ा गिफ्ट दे दो, कार गिफ्ट दे दो, वो उसकी कार गिफ्ट दे दो, अप्रिशिएबल, यस अप्रिशिएबल, एक्सपेक्टेड, यस एक्सपेक्टेड, खुश होंगी, यस बहुत खुश होंगी। लेकिन एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड ओकेजन पे और एक छोटा सा फ्लावर उनके दिल के हमेशा ज़्यादा करीब होता है। उन्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे कि उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज किया तो आप नोटिस करो, अप्रिशिएट करो। उन्होंने न्यू ड्रेस पहना है तो आप नोटिस करो, अप्रिशिएट करो, कमेंट करो या कॉम्प्लीमेंट करो, दोनों चीज़ें उन्हें पसंद है। अगर उन्होंने मेकअप कुछ नया किया है तो आप नोटिस करो, राइट? तो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बहुत खुशी दे देती है, बहुत खुशी। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कैसे अपने स्पाउस को ज़्यादा खुश रख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ वुमेन की बात नहीं करूँगा। स्पाउस रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह है। हम बैंक से पैसे निकालते हैं, लेकिन हम कब निकाल सकते हैं? अगर हमने उसमें बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं। और हम कितने निकाल सकते हैं? जितने हमने डिपॉजिट किए हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं निकल सकेंगे। ऐसे स्पाउस रिलेशनशिप एक इमोशनल रिलेशनशिप ज्वाइंट बैंक अकाउंट है। इस जॉइंट बैंक अकाउंट में आप जितना प्यार डालेंगे, जितना लव डालेंगे, जितनी केयर डालेंगे, जितनी रिस्पेक्ट डालेंगे, जितनी एक्सपेक्टेशंस डालेंगे, आप उतनी ही विड्रॉ कर सकते हैं, उतनी ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। अब ये जॉइंट बैंक अकाउंट में कोई मैन और वुमेन बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब दोनों की इंटेंशंस हमेशा अच्छी होती है। कुछ भी बिहेवियर में इंटेंशन अच्छी होती है। एक्सपेक्टेशंस दोनों की होती हैं एक दूसरे से। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों। बेटर रिलेशनशिप चलाने के लिए, एक दूसरे को खुश रखने के लिए, हमें एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि इसको क्या पसंद है, मैं करता हूं या मैं करती हूं। एक दूसरे को खुश रखने के लिए तीन वर्ड्स हमेशा यूज करो, सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू। गलती चाहे किसी की भी हो, किसी की भी हो, हम दोनों कभी भी ये नहीं मानते कि मेरी गलती है। गलती किसी की भी हो, सॉरी बोलना, दिस इज अ डील। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, वैसे भी हमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। सॉरी बोलने से कभी भी हिचकिचाना नहीं। सेकंड इज थैंक यू। हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे हमें वेटर सर्व करता है, हम बोलते हैं थैंक यू। घर में कितनी बार थैंक यू बोलते हैं हम अपने स्पाउस को? और इसमें ना एक एक्सपेक्टेशन है, थैंक यू बोलना इज सो फॉर्मल बिटवीन अस। मैन ने वुमेन को बोला थैंक यू, तो शी सेड इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो तुम? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि हम एक दूसरे को थैंक यू भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड इज आई लव यू। ओकेजनली हम बहुत अच्छे से आई लव यू बोलते हैं। आप लोग जब भी खुश होते होंगे एक दूसरे को आई लव यू बोलते होंगे। आई लव यू की ज़्यादा जरूरत तब है जब हम एक दूसरे से नाराज हैं, या हमें कोई दुख है, या हम सैड है, या हमारा मूड अच्छा नहीं है, उस टाइम पे हमें एक दूसरे को आई लव यू बोलना है। जैसे कि जब हम बचपन में स्पोर्ट्स खेलते थे तो हमारे स्कूल में प्रोटीन उसको ज़्यादा दिया जाता था, दूध उसको ज़्यादा दिया जाता था, एग उसको फालतू दिया जाता था जो कि वीक होता था, राइट? ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, अच्छे से ग्रो करे और अच्छा परफॉर्म करे। सेम विद अस, जब हम सैड हैं
हम उदास हैं, हमारी लड़ाई हुई है, तब आई लव यू की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तब हम वीक हैं और हमें खुशी चाहिए, और हम उसी टाइम पे आई लव यू नहीं बोलते हैं। ईगो बीच में आ जाती है, ईगो को साइड में रखो, सॉरी थैंक यू और आई लव यू अच्छे से यूज करो। एंड अनदर थिंग, कुछ महीनों पहले मैं पुणे में था, तो मैं लंच कर रहा था, मेरी साथ वाली टेबल पे दो लड़के बैठे थे, एक खुश था एक उदास था। खुश वाला लड़का उदास वाले लड़के से पूछता है, क्या हुआ आप इतने उदास क्यों हो? बोलता है, यार मेरी ना वाइफ से बहुत लड़ाई होती है। खुश वाला कहता है, इसमें कौन सी नई बात है, मेरी भी होती है, सबकी होती है। बोला, मेरी लड़ाई ना 4 4 दिन 5 5 दिन चलती है। खुश वाला ने कहा, देख मेरी लाइफ का एक फंडा है, गलती चाहे उनकी हो या मेरी हो, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि रात को हम लड़ाई खत्म करके ही सोएंगे, नहीं तो सोएंगे ही नहीं। उससे क्या होता है, रिलेशनशिप और बेटर हो जाता है। लड़ाई तो होगी, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो प्यार का पार्ट है हमारे, रिलेशनशिप का पार्ट है, लड़ाई तो होगी। जैसे बैंक अकाउंट में कभी कभी एटीएम भी कैशलेस हो जाता है ना, कार्ड अटक जाता है, तो ऐसे ही हमारी लड़ाई तो होगी। लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया दोनों ने कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन रात को हम लड़ाई खत्म करके सोएंगे, तो हमारे वो 4 5 दिन वेस्ट नहीं होंगे। रात को सॉरी कह के, आई लव यू कह के, थैंक यू कह के, जिस भी वर्ड का यूज करके वो लड़ाई खत्म होती हो, लड़ाई खत्म करके ही सोना है। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान करे आप सबकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहे।